क्या आप बगैर किसी फिक्र के ड्राइव करना चाहते हैं? तो आपका इन 12 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए हम इन्हीं में से वाइपर ब्लेड्स के बारे में सीखते हैं। वाइपर ब्लेड्स असेंबली में इंस्टॉल किए जाते हैं। वाइपर ब्लेड्स विंडस्क्रीन को साफ करते हैं ताकि ड्राइवर को आगे का रास्ता वाज़े नजर आए। वाइपर ब्लेड्स का मुआयना और इनकी तब्दीली जरूरत पड़ जाने पर करवाएं। बिलखुसूस ऐसा बारिश के मौसम से पहले करवाइए। और न्यू स्विफ्ट के लिए भी वाइपर ब्लेड्स की इंस्पेक्शन या रिप्लेसमेंट हस्बे जरूरत करवाएं। वाइपर ब्लेड्स बर वक्त तब्दील ना करवाने की वजह से वो विंडस्क्रीन साफ करने के बाद भी पानी या गर्द विंडस्क्रीन पे ही छोड़ देते हैं। उनके रबर ब्लेड्स सख्त हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाने से इनके ब्लेड्स का रबर क्रैक भी हो जाता है। ये विंडस्क्रीन पे खराश लगा सकते हैं। इनके चलने के दौरान लरजने की आवाज आना शुरू हो जाती है। ज्यादा इस्तेमाल शुदा ब्लेड्स आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन को सही से साफ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हादसा भी हो सकता है। इसके बरक्स वक्त पर वाइपर ब्लेड्स तब्दील करवाने के बड़े फायदे हैं। पैसेंजर्स महफूज रहते हैं, ड्राइविंग खुशगवार रहती है और परेशानी से आजाद होती है। और हाँ, हमेशा जेन्युइन वाइपर ब्लेड्स यूज करें, क्योंकि इनकी सफाई की कारकर्दगी रवां और मौसर होती है। शदीद मौसम में भी ये देर पा चलते हैं। ये आला मटेरियल से तैयार किए गए होते हैं। ये जल्द अपनी असल हालत नहीं खो बैठते, जबकि नॉन जेन्युइन वाइपर ब्लेड्स का मटेरियल गैर मयारी होता है। इनकी सफाई की कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श होती है। विंडस्क्रीन पर निशानात आ जाते हैं। ये गर्म मौसम में ज्यादा नहीं चल पाते हैं। आमतौर पर इनमें अपनी असल हालत में रहने की सलाहियत नहीं होती, जिस वजह से ये जल्द खराब हो जाते हैं। लिहाजा हमेशा याद रखें, जेन्युइन चार्म्स नॉन जेन्युइन हार्म्स।